अस्सलामु अलैकुम जी, वॉचिंग इनसाइड द न्यूज़ एंड आई एम योर होस्ट अर्जुमन उस्मान। जैसे कि आप जानते हैं, स्पेसिफिक शो में हम बात करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में। जो ऑन गोइंग करंट इशूज़ होते हैं उन्हें हाईलाइट किया जाता है। पैनल हमारे साथ रोज़मर्रा की बुनियाद पर मौजूद होता है और हम कोशिश करते हैं कि उनकी एक्सपर्ट जो ओपिनियन है और जो सियासी इख्तलाफ राय भी है, तमाम तर चीज़ें आप तक पहुँचा सकें। बात करेंगे आज की टॉप स्टोरीज़ के हवाले से, जिसमें जो सियासी महाजाराई है वो तो एक तरफ जारी है, लेकिन अगर सबसे पहले बात की जाए कल के एक अफसोसनाक वाकये की, जो लाहौर यानी जो पाकिस्तान का जिसे दिल कहा जाता है, वहां पर ही दिल के मरीजों पर अटैक किया गया। बेजरर मरीज थे और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो है वहां पर वकला की जानिब से जो एहतजाज था उसे एक नया रंग दिया गया, जबकि कहा यह जा रहा था कि डॉक्टर्स और वकला के दरमियान जो भी मसले मसाइल चल रहे थे उन पर कॉम्प्रोमाइज हो चुका था। उसके बाद आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि इस एहतजाज ने तशद्दुद की शक्ल इख्तियार कर ली, मरीजों को भी नहीं बख्शा, पैरामेडिकल जो स्टाफ था वो भी इसका निशाना बना और नौबत यहां तक आ गई कि जो अटेंडेंट्स थे ड्रिप्स लगाई हुई थी मरीजों ने हाथों में और वो लोग भागे हैं अपनी जान बचाने के लिए। और साथ साथ ये भी रिपोर्ट्स मौसूल हुई कि जो पंजाब के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे उन्हें भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। रिपोर्ट्स ये भी हैं कि उन्हें अगवा करने की कोशिश भी की गई थी। एक्सपर्ट ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे पैनल से, आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाते चलें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कादर खान मंदुखेल साहब, हैं रहनुमा पीपल्स पार्टी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, आपको आज के इस प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं इरफानुल्ला नियाजी साहब जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। वेलकम टू द पैनल सर। और पी एस पी से हमें ज्वाइन किया है अजीम मेमन साहब ने, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। आप तीनों ही साहिबान को आज के इस प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहेंगे। कादर साहब, क्योंकि आप खुद एक एडवोकेट हैं, आगाज आपसे करेंगे। कल एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया, क्या कहेंगे आप इस पर? सारी तफसीलात मीडिया की सारी एक तरफा रिपोर्टिंग हर चीज़ के बावजूद जी, मैं सबसे पहले शदीद मुज़म्मत करता हूँ और इंतहाई में शर्मिंदा हूँ कि काले कोट तो कायद आज़म ने भी, कायद आज़म भी वकील थे, अलामा इकबाल भी थे और भुट्टो शहीद भी वकील थे और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब भी वकील हैं। तो इस बेस पर तो मुझे शर्मिंदगी हो रही है क्योंकि काले कोट में वहाँ पर जिस तरह एक उनड़बाजी की है और उसका दूसरा साइड ये बता रहा है कि डॉक्टर अंदर से थे, लेकिन इससे भी कोई छुपी हुई बात नहीं है कि डॉक्टर भी कोई ऐसे वकीलों से, मैं सब वकील अच्छे वकील टॉप के इस वक्त भी पाकिस्तान में मौजूद है और हम शदीद आज दिन भर मेरे वकला के साथ यही बहसबाजी है, कोई फेवर में कोई अगेंस्ट, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख भी देखना चाहिए। अब आए दिन है डॉक्टरों का और वो आपने डॉक्टरों के गैदरिंग सोशल मीडिया में देखा है और एक यंग डॉक्टर किस तरह हंसी मजाक उड़ा रहा है वकीलों को, किस तरह कर रहा है कि आईजी भी कुछ नहीं कर सका, फलां भी कुछ नहीं कर सकता, तो डॉक्टर भी कोई शरीफ नहीं है। मैं सबकी बात नहीं करूँ, कराची में इंतहाई अच्छे डॉक्टर मौजूद है, लेकिन ये सारा जो फसाद है ये लाहौर में है, चाहे वकील है लाहौर का चाहे डॉक्टर है वाला के। और इन डॉक्टरों का ये भी बताना चाहिए कि ये गुर्दे भी बेचते हैं और ये लोगों को जहर के इंजेक्शन भी लगाते हैं, कोई और नहीं जाए। या इस वक्त भी सिंध हाईकोर्ट में एक पिटीशन चल रही है 2014 में एक 85 साल शख्स को यहां पे इनके सारे जिस्म के अजा काट के उसको खत्म किया गया है। इसी सिविल अस्पताल कराची से मेरे पास केसेस है जो नाइजीरिया के लोग थे, इनके जो ना वो किडनी वगैरह सारे निकाले थे। तो ऐसे धंधे में भी डॉक्टर मलूस है कि ऐसा नहीं है, लेकिन मैं सब डॉक्टरों की बात नहीं करूं, अगर सब डॉक्टरों की मैं बात नहीं करूं तो सब वकीलों की भी आप बात ना करें। जिस तरह मीडिया एक तरफा और जिस तरह कर रहे हैं इंतहाई दुख की बात है, नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ साथ में यह भी कहना चाहूं, कहां गई है गुड गवर्नेंस, कहां गए वो शेरशाह सूरी, 6 किलोमीटर दूर ये वकील गए और इनकी इंटेलिजेंस इतनी मारी गई है कि जब वो उकला जारी बातें कोई एक दो की कान में तो नहीं बोला होगा कि आप पहुंच जाए, या सैकड़ों की हजारों की तादाद में जो वकील गए और 6 किलोमीटर फासला उन्हें तय किया और हॉस्पिटल तक जा रहे, कहां मर गई है इंतजामिया, कहां गई वो पुलिस, कहां गई वो रेंजर्स, कहां गई वो पंजाब हुकूमत, शेरशाह सूरी कहां मर गया? डू यू कंसीडर कि ये जो सारा जो तमाम मामला है हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है या सूबाई हुकूमत का मलबा इस पर डाल दिया जाए, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, बात हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं इरफानुल्ला नियाजी साहब की तरफ, उनका ओपिनियन भी जान लेते हैं। अफसोसनाक वाकया पेश आया, आप क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि मुज़म्मती बयानात का जो एक सिलसिला है वो कल से ही जारी है। मुज़म्मती हम बिल्कुल उसकी मुज़म्मत कर रहे हैं, हालांकि मामला शुरू होने से मतलब रोकने के लिए हमारे मिनिस्टर फयाज साहब वहां गए, उनके साथ भी जो हाल हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ बीच में कुछ शरपसंद लोग ऐसे थे जो इसको तोल दे रहे थे इस चीज को।
और हम बिल्कुल इसकी मजम्मत करते हैं। हमारी डॉक्टर साहिबा वहाँ थी, हमारी हेल्थ मिनिस्टर वहाँ गई, सारे मामला देख रहे हैं। हमारे सीएम साहब ने बाकायदा आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली है। 39 के लगभग जो वकील हैं उनको उन पर मतलब केस हो गए हैं, 6-7 पे जिस्मानी रिमांड कर, मतलब इनको छोड़ेंगे नहीं। जो भी फुटेज में हम उसको देख रहे हैं तस्वीरों में, इंशाल्लाह ताला ये चीज़ हम बिल्कुल मजम्मत करते हैं और हम नहीं चाहेंगे कि हमारी गवर्नमेंट में ऐसे मामला हों और इसमें सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। जो भी आपका भी कमेंट इसमें ऐड करना चाहेंगे। कल एक इंतहाई पुरतशद्दुद हमने सूरत हाल देखी। वकला जो कि एक नोबल प्रोफेशन है और आवाम भी अगर उनकी जानिब से विक्टिम बन गई है तो फिर अब आवाम आगे जाकर अगर कानून के जो रखवाले हैं उन्होंने ही कानून को जिस तरह कल हाथ में लिया, तो आप क्या कहेंगे इस पर? अस्सलाम वालेकुम। वाकया इस वक्त जो PIC का है वो थोड़ा सा पीछे जाइए पास्ट में कि पिछले कुछ दिन पहले ये वाकया एक तशद्दुद हुआ है, जो वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पर आपने देखी होगी कि सबसे पहले डॉक्टर्स ने वकला की पिटाई की। ठीक है, ऐड ऑन कर दें। कादर साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आप से वापस वही सवाल करेंगे कि आप क्या समझते हैं सूबाई हुकूमत पर इसका मलबा डल जाएगा या हुकूमत वक्त की तमाम तर जिम्मेदारी थी? क्या जस्टिफिकेशन बनती है इस तरह से कि वकला ने जिस किस्म का कल रवैया अपनाया और बेजरर मरीज से, दिल के मरीज से उन्हें अटैक किया गया, 4 जो है हलाकतें हो गई इसके नतीजे में, इन तमाम चीज़ों का आखिरकार जो है सदेबाब अब करेगा कौन? देखें, पहली बात तो ये कि खुद हमारे भी घर में पेशेंट, मेरे वालिद साहब हार्ट का पेशेंट, मैं वो सूरतयाल जहन में ला रहा हूँ कि जब मेरे वालिद हॉस्पिटल में एडमिट था और उस वक्त सारे एजड मरीज थे, दिल के मरीज थे, वहाँ अगर कोई ज़ोर से भी चीखे तो मरीज बेचारे उसका हार्ट फेल हो सकता है, लेकिन दिल के मरीज को दिल का हॉस्पिटल है जी। तो उस सूरत में तो मैं किसी तरीके से जस्टिफिकेशन वकला की तरफ से तो दे ही नहीं रहा हूँ। इंतहाई गलत है, चाहे डॉक्टरों ने कुछ भी इनके साथ किया हो या जिस अजीम साहब बता रहे हैं, बहुत सारी दूसरी साइड का भी रुख मीडिया को दिखाना चाहिए। जिस तरह डॉक्टरों का बिहेवियर रहा है उसको मैं एक तरफ, जितने भी डॉक्टर ने ज्यादती की है जो कि की है यकीनन, उसके बावजूद वकला को ये कदम हॉस्पिटल के खिलाफ नहीं होना चाहिए। दूसरी, जब न्याजी साहब फरमा रहे कि वजीर इत्तला गए, शोबाज वजीर आप मुझे एक बात बताओ, जिस तरह वो गाली गलौज के सियासत कर रहा है और फिर जिस तरह वो अकेला वहां पे गए, भाई तुम अचुम 6 घंटे 6 किलोमीटर दूर ये वकला पैदल गए, आप कहां मर गए थे? आपकी शेरशाह सूरी कहां थे? आपको सब रोकना चाहिए। पुलिस जो है ना वो भी मुंह देख रही, यही पंजाब की पुलिस है जो कि दहशतगर्द से बड़ी मुबली हुई। आपको क्या सहवाल का वाक्य भूल गए? आप इससे पहले जो एक वकील को जो एक लेडी कांस्टेबल के साथ उसका कोई झगड़ा हुआ तो उसके बाद उसी वकील को अकड़ी लगा के जिस तरह घसीट के उसको तजलील कर जाए, उसको एक तरफ, इन सारी बातों को जो ओकला के साथ ज्यादा हुए मैं एक तरफ रख, लेकिन हॉस्पिटल का जो वाक्य है जो उस पर अटैक हुआ है, चाहे रिपोर्टें ये है कि अंदर से डॉक्टर पथराव कर रहे थे, बिल्डिंग की छत से कर रहे, मैं उस चीज को भी, चाहे डॉक्टर गोली भी चला रहे थे, वकीलों को हॉस्पिटल पे हमला नहीं करना चाहिए। मैं शदीद मजम्मत बार बार कर रहा हूं और मैं बार बार कहता हूं कि मैं शर्मिंदा हूं किसी तौर पे, चाहे यकीनन डॉक्टर ने पथराव किए, डॉक्टर ने वहां लाठीचार्ज किया, वो पूरे बल्ले उनके पास है, सब कुछ थे, लेकिन सारे इकदाम के बावजूद, चाहे उसमें मेरा जो पेटी बाई काला कोट वहाँ पे शामिल था, क्योंकि ये प्रोफेशन लॉर्ड्स का है, ये कैद आजम मोहम्मद अली जना का प्रोफेशन है, इस तौर पे मैं किसी तौर पे नहीं समझ रहा हूँ कि आप ईंट का पत्थर जवाब पत्थर से दे, अर्गिज नहीं देना चाहिए वकला को। लेकिन यकीनन पाकिस्तान बार कौंसिल ने और दूसरे FIR भी कट गई, और मैं ये भी नहीं बताना चाह रहा हूँ कि FIR के बाद जो वकीलों को जिस तरह वो जैसे वो फिल्मों में जो डाकून की टोपी थी वो पहना के जिस तरह पेश कर, इससे क्या होगा? ये पंजाब पुलिस नहीं चाह रही, ये पंजाब पुलिस दहशत की नजर ही है, ये पंजाब पुलिस इस चीज को मजीद आवाज दे रहे हैं। आप क्या समझ रहे, जिस तरह वकला को उन्होंने अदालत में पेश किए, जिस तरह तजलील करके, इसे तो और ये लावा फटेगा। और फिर क्या करना है, कोई भी मिनिस्टर जिसके पास केस है आना उसने वकील के पास है, साथ में से वकील के देना है। आप एक वकील की वजह से, एक आदमी की गलती की वजह से, 200 आदमी की गलती की वजह से 1,00,000, 1,25,000, 1,10,000 वकील पाकिस्तान में, उसको इस तरह तजलील अब नहीं कर सकते हो। ठीक है अजीम अहमद साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी आप क्या समझ रहे हैं इस तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए, आपको लग रहा है कि मामला जो है वो रिटेलिएशन की तरफ जा रहा है कि अगर डॉक्टर्स रिएक्ट कर रहे हैं तो वकला की तरफ से, और जिस तरह के कादिर साहब ने भी अर्ज किया कि जिस तरह से आज वकला को पेश किया गया, आप समझते हैं कि अब दोबारा से एक रिटेलिएशन का अमल जारी होगा उनके जानिब से? देखें, बात यह है कि जो मैं कंडम करता हूँ इस बात को, जो वकीलों ने अटैक किया है, मैं इसको टेररिज्म समझता हूँ। मैं कादिर भाई की बात को सेकंड करता हूँ कि वो ये एक दहशतगर्दी है
और जो आप बात कर रही हैं कि उनको नकाब पहना के उस तरह अदालत में पेश किया गया, मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा आप उनको सज़ा देनी चाहिए और मैं समझता हूँ उनके बार के लाइसेंस कैंसिल होने चाहिए उन अफराद के, ताकि ये जो है वो लोगों के लिए एक बन जाए कि आप आज के बाद इस तरह का कोई भी वकील किसी किस्म के टेररिज्म में शामिल ना हो। देखिए इस बात को मैं ये बताना चाह रहा था आपसे पहले भी कि ये वाकया आज से कुछ दिन पहले हॉस्पिटल में कुछ डॉक्टर्स ने कुछ बुकला की पिटाई की, ये बात उस वक्त गवर्नमेंट के नॉलेज में होनी चाहिए, वसीम अकरम प्लस की नॉलेज में सारी बात थी, पंजाब गवर्नमेंट को उसे देखना चाहिए, सीरियस लेना चाहिए था। जिस तरह कादर साहब ने बताया कि वो 6 किलोमीटर वॉक करके आए हैं, अगर वॉक करके आए तो उस वक्त हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज कहाँ थी, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज कहाँ थी, उन्हें उसे रोकना चाहिए था। मैं समझ रहा हूँ बड़ा ईजी सिंपल था, वकीलों को रोका जा सकता था, लोगों के नॉलेज में था कि ये जा रहे हैं तो ये रिएक्शन आएगा, और ये मामला आज का नहीं था, कई दिनों से चल रहा था। तो मेरा ख्याल है कि वो ये सीधे सीधे सरासर जिम्मेदारी उसकी जो है वो गवर्नमेंट पे आती है कि गवर्नमेंट चाहती तो इस किस्म का वाकया रूनुमा ना होता, लेकिन 100% जिम्मेदारी और 100% गलती वकला की भी है कि इसको टेररिज्म समझा जाए और वकला को सख्त से सख्त सजा दी है। ठीक है इरफानुल्लाह नियाज़ी साहब, अब सवाल ये रेज़ हो रहा है, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, अपोजिशन जमातें हों या सोशल मीडिया पे अगर हम देखें, तो अब ये सवाल एक बारहा तौर पर बार बार उठाया जा रहा है कि जिस तरह से क्रेडिबिलिटी को डाउट किया जा रहा है सीएम पंजाब की उस्मान गुजार साहब की, कि क्यों अगर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स क्या पहले नहीं मौसूल हुई, एक वाकया स्टार्ट होता है 23 नवंबर को, रिएक्शन उसका फाइनल आता है 11 दिसंबर को, इट्स अ लॉन्ग टाइम स्पेन, तो आप बहसियत रहनुमा पाकिस्तान तहरीक साहब किस तरह से इसको अब डिफेंड करेंगे? देखिए जी, मतलब जहाँ तक सीएम साहब की बात है वो तो पूरी कोशिश हम कर रहे हैं, मतलब इमरान खान से उनकी हफ्ते में मतलब कई मुलाकातें हो चुकी हैं इसी सिलसिले में, और उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में जो भी इन्वॉल्व है किसी किस्म की रियायत नहीं देनी, और उसी हिसाब से 46 उन पर मतलब जो वकला पे दहशतगर्दी की दफात लगाई गई, हमारी ही गवर्नमेंट ने लगाई कि बगैर किसी खतरो खौफ के कि पंजाब में पुरअमन पंजाब हमें चाहिए, जैसे हम केपीके में लोग मतलब मिसाल देते हैं केपीके पुलिस की, और हम पूरी कोशिश करिए हमारी गवर्नमेंट इंशाल्लाह ताला, हम मतलब आईजी भी हमने चेंज किए हैं बहुत से मामलात में, हम अपने बैरिकेड्स भी चेंज कर रहे हैं इसी सिलसिले में कि पंजाब को हम इंशाल्लाह केपी की तर्ज का पुलिस बनाएंगे, और अनकरीब हम इंशाल्लाह ताला इसमें कामयाबी हमें मिलेगी। बिल्कुल ये चंद शर पसंद है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरक्की जो मुल्क को मतलब इन खतरात से निकाल रही है ये उनको देखी नहीं जा रही, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि किसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो और मामला गड़बड़ हो। इंशाल्लाह ताला ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, हमारे मुल्क ने अब तरक्की ही करनी है, उसके और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, लेकिन इरफानुल्लाह नियाज़ी साहब, कादर साहब, अजीम अहमद साहब, आप तीनों से ही मैं ये सवाल करूंगी, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगी कि अगेन जैसे कि मैंने अर्ज किया कि क्रेडिबिलिटी को अब डाउट किया जा रहा है सीएम पंजाब की, कि आपका जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर है उसको बाहर डिटेन कर लिया गया, आपकी जो हेल्थ मिनिस्टर है पंजाब की उनको अंदर डिटेन कर लिया गया, इस तरह की सूरत हाल कैसे कर मुमकिन हुई, आखिर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी थी कहाँ थी उस वक्त? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो वज़ीर इत्तला पंजाब है वो बदतमीज़ों का आईजी है, आपने इसकी हर इंटरव्यू देखी है, जिस तरह वो स्टेज डांसर के बारे में, जिस तरह और लोगों के बारे में, जिस तरह उलमा के बारे में, उसकी एक रिकॉर्ड है। दूसरी बात यह कि मुज़ाकरात का कोई तरीका होता है, इस तरह आप जाने के हीरो बनने की कोशिश जो करेंगे ना तो हशर तो आपका यही होगा। मुज़ाकरात का ये होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक मैसेज जाता है और फिर वो जो मुखालिफ पार्टी जो भी हो वो बाकायदा उसकी एक टीम होती है, फिर गवर्नमेंट की टीम होती है मुज़ाकरे। ऐसा तो नहीं होता कि एक अफरा तफरी चल रही है, फायरिंग चल रही है, पथराव चल रहा है, जो कुछ हो रहा था वो मीडिया ने दिखा दिया। ऐसी सूरत में आप हीरो बनने की कोशिश करोगे और फिर यकीनन मुखालिफ पार्टी के भी लोग होंगे, उकला होंगे, उसी ने उसको टारगेट किया, नहीं होना चाहिए, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। लेकिन दूसरी बातें बताऊँ आपकी मीडिया के जरिए, मैं एक और बात बताऊँ, ये बड़ा ये पहली मरतबा ये बात मैं कर रहा हूँ, शायद आपने सुनी भी नहीं होगी, ये जो इमरान साहब खान साहब कह रहे हैं कि वसीम अकरम प्लस वसीम अकरम क्या चीज़ है, वो तो सट्टेबाज था, वो तो जुआबाज था, उसको तो सजा भी आपको पता है, जस्टिस कईम की रिपोर्ट मेरे पास पड़ी हुई 600 पेज की, 60 पेज की, उसमें सजा भी बकायदा उसको, इसमें जितनी भी खिलाड़ी थे उनको सजा और जुर्माने हुए हैं। आप सट्टेबाज को हीरो के तौर पे पेश कर रहे हैं, तो जब सट्टेबाज को आप करें, मैंने पिटिशन दाखिल की सिंध हाईकोर्ट में उसके खिलाफ अमल दरामद के लिए, आज भी वो रिकॉर्ड पे 1999 में, बात ये है कि एक सट्टेबाज को आप हीरो के तौर पे पेश करेंगे तो फिर एक सट्टेबाज होगा, दूसरा उसका अब्बा होगा, फिर यही चीज होगी, सारे वजदार ने क्या करना है, उसकी बेचारे की तो मुंह से बात ही निकल रही है। ये सारी अफरा तफरी में 24 घंटे के बाद इमरान खान साहब उसके नोटिस ले रहे और फिर इनका जो वो क्या कहते हैं मुखबरी खास है शेख रशीद,
उसकी सुबह में किसी चैनल पे देख रहा था, उसने कहा कि मैंने इमरान खान को बोला ज्यादा टीवी नहीं देखे। आपके अगर वजीर आपको यह मशवरा दे रहे कि आप टीवी नहीं देखे तो आप खाक मुल्क को सही करेंगे, आपको बीवी बताएगी कि डॉलर कहां तक पहुंचे, आपको बीवी बताएंगे आप वजीर आजम, क्योंकि टीवी का तो आपको मना किए, आपके वजीर आपको मना कर रहे। तो सवाल यह है कि इतनी बड़ी जो वायलेंस हुई है, एक उससे पहले मॉडल टाउन हुआ जो ये हाईलाइट करते थे, मैं भी मुखालफत करता था और आज भी करता हूँ, लेकिन मॉडल टाउन से ज्यादा ये खतरनाक हादसा था। अब देखे हॉस्पिटल का था, किसी तौर पे अजीम साहब ने बात की, मैं इसकी बात करता हूँ, किसी तौर पे कोई भी मुजरिम जो है ना, मुलजिम जो ना, वो रियायत की मुस्तैक नहीं है। लेकिन सवाल ये कि हर चीज का एक रास्ता है, हर चीज का एक वे आउट है। अभी भी मैं कहता हूँ कि देखे बार कौंसिल ने उसकी हिमायत की है, बार पंजाब बार कौंसिल ने हिमायत की है, आज पूरे पंजाब में हड़ताल थी। अभी भी मैं कहता हूँ खुदारा होश के नाखून लो, इस चीज़ को बार की बॉडी के साथ बैठ के, हुकूमती टीम बैठ के इसका एक हल निकाल ले। इसी तरह अगर आप वकला अटैक करते रहेंगे, डॉक्टर इसी तरह बदतमीजियाँ करते रहेंगे, पथराव करते रहेंगे, फिर वकला को आप डाकुन की नकाब पहना के अदालत में पेश करेंगे, इससे मजीद इश्तियाल पहले गई, इससे मामला ये रुकेगा नहीं। अर्जुन मेरी बात याद रखना, हसन चौहान की जानिब से ये भी इल्जाम आयद किया जा रहा है कि नून लीग का कारकुन भी जो पुरतशद्दुद वकला उनमें शामिल था, और आज सोशल मीडिया पे एक वीडियो और कुछ तस्वीर ट्रेंड में है जिसमें जो हसन नियाजी हैं इमरान खान के भांजे, कहा जा रहा है कि वो भी वकला की इस टीम में शामिल थे। अब जो पीएम इमरान खान है इस पर क्या एक्शन लेंगे, और रहनुमा तहरीक इंसाफ भी हमारे साथ मौजूद है, उनका मौकफ भी जानेंगे, लेकिन इस वक्त लेंगे एक ब्रेक, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी, वॉचिंग इनसाइड द न्यूज़, हमारे साथ पैनल मौजूद है। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कल लाहौर में होने वाले पुरतशद्दुद वाक़े के बारे में, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, क्योंकि डॉक्टर्स और वकला के दरमियान जो तनाज़ा था उसका विक्टिम जो है वो आवाम बनी, और शदीद नुकसान भी हुआ, तोड़ फोड़ भी की गई। पैरामेडिकल स्टाफ की बात की जाए, अटेंडेंट्स की बात की जाए, और इसका सदबाब तो किसी सूरत में मुमकिन नहीं है, क्योंकि चार जो मरीज़ थे वो इस पुरतशद्दुद कार्रवाई के नतीजे में जा बहक हो गए। और इस अफसोसनाक वाकये के बाद जो हुकूमत वक्त है, स्पेशली अगर हम पीटीआई की जब बात कर रहे हैं, उन पर कई सवालात रेज हो रहे हैं, सीएम पंजाब की क्रेडिबिलिटी को भी अब डाउट किया जा रहा है। इरफानुल्लाह नियाजी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक सोशल मीडिया पर सबसे ही कुछ तस्वीरें ट्रेंड कर रही हैं, हसन नियाजी साहब हैं, और देखा जा सकता है बारह तौर पर कि वो विक्ट्री का निशान मनाते नजर आ रहे हैं उन्हीं पुरतशद्दुद वकला के साथ, और उनका डायरेक्ट कंसर्न है इमरान खान साहब के साथ। तो अब पीटीआई क्या स्टांस लेगी, इमरान खान क्या एक्शन लेंगे इस पर? सबसे पहले तो मैं कादिर साहब की बातों का बताऊं, वसीम अकरम हमारे मुल्क के हीरो हैं, उन्होंने हमारे मुल्क का कई साल तक नाम रोशन किया, बच्चा बच्चा उनको जानता है, तो खैर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि वो बेटे पे फखर करते हैं, जाति है वो बेटे के साथ जो इशू है, वो बेटे पे फखर करते हैं, पाकिस्तान का हीरो है, बिलावल हमारा चेयरमैन है, आप अपनी बेटे के लिए, वो तो यहूदी के घर पे रह रहे हैं, वो नाजायज बेटी पे रह रही है, वो हीरो है, ठीक है जी। तो खैर दूसरी बात मैं आपको कहूं, नाजायज बेटी और यहूदियों के साथ रह रही है वो बता देना, गुजारिश करूंगी नाजिबा जो जबान है, तो फिर ये क्या कर रहे हैं, बेटा है बेटी, हमारा हमारा चेयरमैन है, हमें फखर है, आपका क्या है, फ्लैट है जी, आपका आपको ये चीजें आपको हम दिखाएंगे, जुडिशियल कमीशन में डिक्लेयर जॉब आ जाए, हसन नियाजी साहब की बात हो रही है, अपोलोजाइज तो उन्होंने कर लिया इस इंसिडेंट के बाद, हसन नियाजी की बात है, बैरिस्टर हसन नियाजी देखे वो हफीजुल्लाह खान नियाजी का बेटा है, हफीजुल्लाह खान नियाजी को आप जानती हैं जी, वो जियो पे डेली बैठे होते हैं और अपने आप को इमरान खान की मुखालफत में मशहूर करना चाहते हैं, जो कि कभी भी नहीं होगा, मियां वाली में बच्चा भी उनको नहीं जानता, कहता तो अपने आप को नियाजी है, लेकिन मतलब है। और दूसरी बात है, वो भाई है, दूसरी बात यह कि वकला की टीम का वो हिस्सा थे, बैरिस्टर हसन अगर उनका नाम एफआईआर में आता तो जैसे 46 वकला के ऊपर एफआईआर काटी गई तो उनकी भी काटी जाती, लेकिन एविडेंस मौजूद है, क्यों नहीं काटी गई, देखा कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी बात खुद नफी कर रहे हो, जब वो वीडियो मौजूद है तो उसका एफआईआर में बहुत से लोगों को देखा जा रहा है, मेरी बात सुन ले, मेरी गुजारिश सुन ले, कह दिया अपोलोजाइज किया कि मैं एक अपनी टीम के साथ गया, किसी चीज किसी उसमें तोड़ फोड़ में किसी इमरान खान का छक्का कैसा भैया वो जो भी है। मैडम देखें बात ये है कि इस वक्त वीडियो क्लिप्स मौजूद है, हाँ जी। हसना नियाजी की
और तमाम की तमाम टेररिज्म में वो इन्वॉल्व है। वो मोबाइल की जब आतिश किया जा रहा था मोबाइल की उसमें भी मौजूद था, तोड़ फोड़ में पूरे तरीके से मौजूद है। ये इमरान खान का एक इम्तिहान है। मैं समझता हूँ अब तक इमरान खान ने जो भी फुटेज चल रही है कि इमरान खान ने नोटिस ले लिया पीआईसी वाकई का, भाई नोटिस में सबसे पहला नाम उन्हें और अपने भांजे का शामिल करना चाहिए। हसन नियाजी उसमें शामिल है भरपूर तरीके से। ये कौन से रियासत मदीना चला रहे हैं, मेरी बात समझ से बाहर है कि यार आपका फुटेज मौजूद है, वीडियो दुनिया देख रही है कि हसन नियाजी तमाम मामलों में तमाम तोड़फोड़ में जिम्मेदार है, उनको उनकी एफआईआर की जाए, एफआईआर लॉन्च की जाए, उनको भी शामिल है, तफ्तीश किया जाए। और मैं समझता हूँ ये 46 लोगों का वाक्य नहीं है, 250-300 जितने भी वकला उसमें शामिल है उनके खिलाफ शदीद तरीन कार्रवाई की जाए और टेररिज्म एक्ट के तहत की जाए। Couldn't you think fair enough जो बात की जा रही है कि उन्हें भी तहकीकात का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि वो अपना जांच कर चुके हैं, लेकिन आप हिमायत करते हैं तो कोई कोई, कोई उस तरह कोई उस अगर उस चीज अगर वो तोड़ फोड़ के उसमें इन्वॉल्व है, अगर तोड़ फोड़ के उसमें फुटेज देखे, फुटेज उसकी बाहर की है, रैली में जा रहे हैं तो बहुत सारे वकला जा रहे हैं, खवातीन वकला भी जा रही है, मतलब जो अस्पताल में गए जिन्होंने मरीजों के साथ बदतमीजी की, मैं कहता हूँ वो इंसानियत इंसानियत कहला इंसान कहलाने के काबिल भी नहीं है। और ये हम इंशाल्लाह ताला अगर ये इन्वॉल्व हुआ तो जिस तरह 46 तोड़ फोड़ में आएंगे जिस तरह 46 कादर साहब, जैसे कि हमने कल देखा कि ये जो लॉयर्स थे दे वर वैंडलाइजिंग दी पब्लिक प्रॉपर्टी और पुलिस मोबाइल को भी जला दिया। मीडिया को तो बड़ा आसान होता है क्रिटिसाइज करना, लेकिन जो रिपोर्टर्स थे जो वहां पर कवरेज के लिए गए थे उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, जख्मी भी हुए हैं कुछ रिपोर्टर्स और चैनल्स पर 12 जो है वो टिकट्स चल रहे थे इस बात के, मोबाइल फोन उनसे छीन लिए गए। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी क्योंकि आप खुद एक एडवोकेट हैं, यू हैव बीन थ्रू ऑल दिस लॉन्ग प्रोसेस, आपको नहीं समझते चाहे हम डॉक्टर्स की बात करें चाहे हम बात करें लॉयर्स की, तो आखिर ये जो पुरतशद्दुद रवैया और ये जो कल्चर हमारी सोसाइटी में प्रोपगेट कर रहा है, आखिर ये कौन से इंस्टीट्यूट हैं जहां से ये लोग सीख कर आ रहे हैं? क्या उन इंस्टीट्यूट्स की भी अब क्रेडिबिलिटी को नहीं डाउट करना चाहिए? बिकॉज लाइसेंस और बिना लाइसेंस के बगैर भी कई ऑर्गेनाइजेशन अब हम देख रहे हैं कि वो दे कमिंग अप। अच्छा सवाल आपने किया है जी, मुज़म्मत तो मैं दो मरतबा पहले कर चुका हूँ, तीसरी मरतबा भी कर रहा हूँ। आपने इंस्टीट्यूट की बात की कि वकला कहाँ से सीखते हैं, ये वकला अदालतों से सीखते हैं। बहुत सारी हमारी जजेस का रवैया वकला के साथ जो होता है ना, वो आप किसी वकील से पूछो, आपका आप किसी अदालत का विजिट करें तो आप बहुत सारी ना सबकी बात नहीं करो, और ये रवैया ये नर्सरी कहाँ से सीखते हैं, पुलिस से करते हैं, क्योंकि पंजाब पुलिस में नाम दे रहा हूँ दहशतगर्द पुलिस है, ठीक है, जिस तरह वहाँ पर कत्ल वगारत होता है, जिस तरह वहाँ पर ये दहशतगर्दों का साथ दे रहे हैं और जिस तरह सिस्टम वहाँ चला रहे पंजाब में, और पंजाब में कोई भी जो MNA MP है ना वो इसी तरह पुलिस की मदद से मुखालफिन को वो तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और दबाते हैं। अब सवाल ये कि आप कह रहे कहां से सिखा है, ये उकला ने वहां से सिखा है, और ये आपको हरकत कराची में नजर नहीं आएगी, ये आपको कोयटा या पिशावर में नजर नहीं आएगी, इस्लामाबाद में नजर, ये आपको सिर्फ लाहौर में नजर आएगी। लिख ले मेरी बात, ये सिर्फ लाहौर एक ऐसा शहर है जहां डॉक्टर का भी ये रवैया होता है, वकील का भी ये रवैया होता है, आखिर क्यों इसके ऊपर होना चाहिए? अजीम साहब ने बड़ी प्यारी बात की है, मैं कहता हूँ सबको, लेकिन अब सवाल ये है कि डिस्क्रिमिनेशन ये है कि इमरान खान साहब का अपना सक्का बांझा अगर इसमें मलवस है तो नियाजी साहब कह रहे मुझे सबूत चाहिए, भाई सबूत तो आ गए वो साथ मौजूद है, नहीं जी ये इसके हाथ में बंदूक होना चाहिए, किसी मरीज को उड़ा रहा होगा तब जाके हम डालेंगे वरना नहीं डालेंगे। भाई आप भी इंसाफ करें, उसको डालें, जरा 2-4 दिन जरा तफ्तीश करें, जूते पड़े पता चल रहा खुद बता देंगे, और फिर ये 6 किलोमीटर दूर फासला तय करके आया, और फिर मैं दोबारा करूँगी पंजाब पुलिस कहाँ मर गई, पंजाब की जो हुकूमत है वो कहां था शेरशाह सूरी, जब ये जारी बातें एक वकील नहीं है दो वकील नहीं है सैकड़ों वकील गए, जब ये वकील गए रात में मशवरा किया होगा, सुबह लाइनअमल तय किया होगा, कहां जाना है किधर अटैक करना है उन्हीं डॉक्टरों के अस्पताल में करना है जिन्होंने वो किया, तो ये कहां थे, ये सो रहे थे, इनका वजीर आजम सो रहा था, देखो प्री प्री प्लान 100% प्री प्लान था, तो प्री प्लान को नाकाम बनाने की आप कहां थे, आपका शेरशाह सूरी कहां था वो बता देना, आज ये वकला अंदर है ना, ये सबूत है, कुछ खत्म करने के बाद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट और में है, ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, दहशतगर्दी एक्ट का पर्चा हुआ है और वो अंदर हुए पड़े हैं, जब सब तबाह करने के बाद ये जा गए मैं आपसे जानना चाहूंगी, सिर्फ एक छोटा सा सवाल यह है कि हमने देखा इस तरह की पुरतशद्दुद जो कार्रवाइयां थी अगर उन पर पहले ही अमल पैरा किया जाता तो ये वाकई रिपोर्ट ही नहीं होता, क्योंकि हम जो है एक ऐसी सोसाइटी बन चुके हैं जो एग्जाम्पल्स अब सेट नहीं करती। आप क्या समझते हैं, अभी तो हम देख रहे हैं 40 वकला को जिस तरह के बताया नियाजी साहब ने भी कि अरेस्ट भी कर लिया गया, कार्रवाइयां भी की जा रही है, क्योंकि हाईलाइटेड इशू है
मीडिया की पूरी तरह जो तमाम तर तवज्जो है उसी तरफ है, आप समझते हैं इसका जो एंड है किसी सेटलमेंट की तरफ नहीं होगा इस बार, क्योंकि मुजरिम है ये वकला और वाजे तौर पर सबूत मौजूद है, आपको लगता है कार्रवाई होगी इनके खिलाफ? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो तमाशा हुआ है, जो ये वकला का अटैक है जी। अब यकीन करें पूरी दुनिया में हमारी जो बदनामी हुई है कि जंगों के दौर में भी अब यकीन करें हॉस्पिटल में अटैक नहीं होता, और ये मुनज्जम तरीके से प्री प्लान्ड ये हुकूमत की रेट को चैलेंज किया गया, और मैं समझता हूँ कि रूल ऑफ लॉ का प्रॉब्लम है। वसीम अकरम प्लस को सोचना चाहिए कि वो इतने अरसे से बैठे हैं लाहौर में उनके साथ चंद किलोमीटर दूर एक वाकया हो जाता है, हुकूमत को इस बारे में सोचना चाहिए। इस तरह नहीं होगा कि वकला ने कोई डायरेक्ट अटैक कर दिया और उन्होंने कोई एक्शन हुकूमत अब लेना है, हुकूमत तो एक्शन प्री एक्शन ले सकती थी, हुकूमत को तो सारी चीज इंटेलिजेंस रिपोर्ट मौजूद थी कि वकला रिएक्शन करेंगे उस बात का जो वाकया हॉस्पिटल में कुछ दिन पहले ऑनगोइंग चल रहा है 23। लेकिन इसमें थोड़ा सा क्रूशियल बात ये देखने में आ रही है कि हमने देखा कि ये परसों का वाकया रिपोर्ट हुआ, कल जब ये इस किस्म की पुरतशद्दुद कार्रवाई अमल में लाई गई उससे पहले आईजी और डीआईजी की मदद से सेटलमेंट हो चुकी थी, कॉम्प्रोमाइज का लेटर मौजूद है, तो फिर क्या वजह बनी है कि जिसके बाद इस तरह की कार्रवाई जो है वकला की जाने वजह एक ही है, वजह यह है कि रूल ऑफ लॉ की जरूरत है, पनिशमेंट की जरूरत है, हमें इन चीजों से बाहर आ जाना चाहिए कि ये नून लीग का है, ये पीटीआई का है, इनसे बात है, ये भांजा है, ये भतीजा है, ये सारी चीजों से बाहर निकल के जो लोग भी इसमें जिम्मेदार है उनको कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए और उन्हें एक सख्त से सख्त सजा दी जाए, फिर नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं कौन करता है, ये वाकयात नहीं होंगे। लेकिन हमारे यहाँ बदनसीबी से ये वाकयात इस किस्म के हर किस्म के वाकयात जो होते रहे पूरे पाकिस्तान में, मैं कहता हूँ वो कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ, हर वक्त जो है वो चीजें सेटल होती चली गई। आज भी मुझे लगता है कि ये वाकयात और ये इंक्वायरी की नजर होने के बाद 2 महीने बाद ये चीजें भी सेटल हो जाएंगी। सख्त तरीन अगर दहशतगर्दी के वाकयात है, सख्त तरीन अगर इन्हें सजाएं दी गई, मैं समझता हूँ दोबारा ये वाकया रोनुमा नहीं हुआ। ठीक है, बात हम कर रहे थे कल होने वाले लाहौर में अफसोसनाक वाकये के हवाले से और ओपिनियन भी ले रहे थे तीनों ही जमातों के रहनुमाओं का। बस उम्मीद यही है हुकूमत के वक्त से कि अब फिल फॉर और अप्रोप्रिएट एक्शन इसके खिलाफ लेना चाहिए। अभी ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे और आपके साथ तीनों ही पैनल के मेम्बरान के साथ हम डिस्कस करेंगे कि जो फॉर्मर प्रेजिडेंट है आसिफ अली जरदारी, उनको अब जो बेल है वो ग्रांट हो चुकी है, सियासत में आएंगे या उनकी भी तैयारी है कहीं बाहर जाने की, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं इनसाइड द न्यूज और बात हो रही है आज के हाईलाइटेड स्टोरीज के हवाले से। ब्रेक से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे कल लाहौर में होने वाले अफसोसनाक वाकये के हवाले से, अभी हम टॉपिक को चेंज करेंगे और बात करेंगे फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की। हमने देखा कि इस्लामाबाद जो हाईकोर्ट है उसकी तरफ से एक हुक्मनामा जारी किया गया था, मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया था और पिम्स में फिर जब वो मेडिकल बोर्ड की जो टीम थी वो तश्कील दी गई, उसके बाद तिब्बी बुनियादों पर अब जो जमानत है वो ग्रांट कर दी गई है। स्पेकुलेशंस काफ़ी आ रही हैं अपोजिशन जमातों की जानिब से भी, हुकूमत वक्त की जानिब से भी, और कादर खान मंदखेल साहब क्योंकि रहनुमा पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद हैं आपसे भी जानेंगे। कादर साहब अब जमानत तो ग्रांट हो चुकी है, स्पेकुलेशंस आ रही हैं कि जरदारी साहब अब सियासत का हिस्सा बनेंगे या वो भी बाहर जाएंगे इलाज के लिए, देखिए आप भी कुछ हमारी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करें। आपकी इन्फॉर्मेशन में मैं इजाफा करूँ कि जरदारी साहब के खिलाफ वो जो केस है जी। ये कोई नए केस नहीं है, ये वो केस है जो पहले नवाज शरीफ साहब के दौर में सैफुर रहमान ने बनाए और 11 साल तक उनको यूं समझ लो टॉर्चर किए, जेल में डाला, 11 साल के बाद उसी सैफुर रहमान नैब के चेयरमैन ने माफ़ी मांगी, और मैं जो मौजूदा नैब का चेयरमैन है जो सर से लेके पाँव तक एहतसाब करता है, मैं उनको भी चैलेंज करता हूँ कि एक दिन आएगा आप भी पांव पड़ेंगे, आप भी माफ़ी मांगेंगे इसी आसिफ अली जरदारी से। अब दूसरी बात, जो केसेस हुए ये केसेस पुराने केसेस उठाए गए जिसका कोई सर पैर नहीं है। आसिफ अली जरदारी ने बेल एप्लीकेशन, क्योंकि मैं फेक अकाउंट में, मैं लतीफ़ कोसा उसके वकील भी है, आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा मैं बेल नहीं लूँगा। ये अभी जो इंतहाई इसकी कंडीशन ख़राब हो गई हेल्थ की, और आप फुटेज से भी आपको अंदाज़ा हो गया जो चल पड़ रही, वो एक कप जो है ना एक हाथ से नहीं उठा सकता है, ये जो मामले सिंध हाईकोर्ट में यहाँ देखा उसमें मजीद उसकी पोजीशन बिगड़ गई। हमने बार बार हुकूमत से एक ही मुतालबा की, हमने कोई बाहर जाने की एनआरओ जो ये चीखते रहते हैं, हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, बल्कि हम लानत बेचते हैं एनआरओ पे। हमने एक रिक्वेस्ट की कि कम से कम हमारा अपना जो जाती डॉक्टर है उनसे हमारे हमारा इलाज तो कराने दे, जिसका प्राइवेट डॉक्टर मेरा इलाज करे। जारी बात है आपका मेरा सबका यहाँ पे फैमिली डॉक्टर होता है जिसे हम इलाज कराते रहते हैं, वो तक नहीं दिया है। फिर जब बोर्ड बन गया उसके बावजूद नहीं दिया गया। आखिरकार आसफा बीबी
और बख्तावर जो है ना जाके उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आपकी मजीद कंडीशन ख़राब होती जा रही है, आप कम से कम बेल, फिर जाके एग्री हो गया, आपको याद होगा उसे इनकार कर दिया कि बेल एप्लीकेशन पे वो साइन, लतीफ़ कोसा साहब कई मरतबा उसने साइन करने से इनकार कर दिया। जब ये बेल एप्लीकेशन लगा लिए, यकीनन वो मेडिकल बोर्ड जो सरकारी मेडिकल बोर्ड, उसकी सारी रिपोर्टों के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको ज़मानत दे दिया। अब अगला सवाल आपका कि वो बाहर जाएंगे कि सियासत करेंगे, वो तो जब अस्पताल में था, जब टॉर्चर था, जब वो कराची के थाने में उसकी ज़बान काटी गई है, जब यहाँ उसको मज़ीद टॉर्चर किया गया, उस वक्त भी वो सियासत कर रहा था और वो बिस्तर के ऊपर लेट के भी सियासत करेगा क्योंकि एक सियासी वर्कर है, सियासी रहनुमा है, और बाहर नहीं जाएंगे। ये लिख ले, आज वो कराची आ रहे हैं और अपने जो 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 मौलज है उसे इलाज कराएंगे, इलाज के बाद जो है ना उसी केसेस का, उसी मुकदमात का सामने करेंगे। पीपल्स पार्टी के लोग, आप खुर्शीद शाह का देख लें, जिस तरह उसको रगड़ा दिया, डॉक्टर आसिम को जिस तरह आपने टॉर्चर किया, शरजील मेमन को जिस तरह आपने टॉर्चर किए, और भी लोगों के किए, और एक खातून जो जो इमरान खान साहब रियासत मदीना कहते हैं, एक आदि फरियाल जो खातून रात 12 बजे, मैं एक वकील की से करूँ कि जेल के दरवाजे बंद होते 5 बजे, रात 12 बजे हॉस्पिटल से घसीट घसीट के उसको जेल के अंदर डाला, आप क्या चाह रहे हो, आप रियासत मदीना तो ये और क्या है। अब मुझे बताओ, एक खातून, हमारे यहाँ वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट है 2006 का मुशर्रफ के दौर में, उसमें भी खातून के ऊपर इंतहाई रिलीफ है, यानी आम आदमी की अगर बेल 1% होती है तो खातून की 100% होती है। आज भी जो वकील अगर मुझे सुन रहे हैं उस चीज़ का तस्दीक करेंगे, हमारे यहाँ कानून मौजूद है। और आपको याद होगा पिछले हफ्ते जो खवातीन जुडिशल कॉन्फ्रेंस से जब खिताब की है चीफ जस्टिस साहब ने, उस वक्त भी कहा कि खवातीन के केसेस का लिहाज करें। ये कैसे रियासत मदीना का दावेदार है जो खातून के साथ ऐसे करें, जो खातून को इस तरह टॉर्चर कर रहे, उसको ये नहीं पता कि उनकी अपनी बहने जो 60-60 अरब रुपए ये ज़कात चंदे का पैसे चोरी करके उनके नाम पैसे इन्वेस्टमेंट किए, उसकी भी बारी आ रही है। उसकी भी तो हुकूमत आएगी। नियाजी साहब, आप नहीं समझते कि अब तो पिम्स का जो मेडिकल बोर्ड है वो ये खुद कह रहे हैं कि फॉर्मर जो प्रेसिडेंट है उनकी मेडिकल कंडीशन इंतहाई फ्रेजाइल है, आप क्या समझते हैं कोई ज्यादती हो गई हुकूमत की जानिब से जमानत ग्रांट करने में? जमानत की जा रही है क्योंकि प्राइवेट मेडिकल बोर्ड के लिए रिक्वेस्ट की जा रही थी बार बार और वो रिजेक्ट करते रहे। आई जैसे ही गवर्नमेंट इमरान खान की आई, जब उन्होंने देखा कि ये तो भाई मुल्क को बिल्कुल ही बदल देगा तो हमारा क्या बनेगा, तो उसके बाद ये बीमार होना सारे लाइन से शुरू हो गए। जिस जिसके पास केस बनता गया वो अस्पताल पहुंचता गया, जिस जिस पे केस बनता गया अस्पताल पहुंचता गया। जहां तक ये जरदारी साहब की बात कर रहे हैं, जरदारी साहब अब तो सरकारी बोर्ड में, सरकारी बोर्ड है, ठीक है ना, सरकारी बोर्ड जो भी कह रहे हैं उसकी हालत ऐसी है कि मैं कह रहा हूँ ना कि वो भेकी भेकी बातें कर रहे हैं, तो अब वो जहर सी में तो क्या सियासत करेंगे। ऊपर बिलावर साहब कह रहे हैं कि जी शेर बाहर आ गया है और अब वो बताएगा, दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं जी वो सियासत नहीं करेंगे, वो बिस्तर मर्ग पे पड़े, हमें मेहरबानी करें हाथ पांव जोड़ रहे हैं, कोई बात नहीं जोड़े, बिल्कुल ऐसी बात है। जहां तक बात एक कर रहे हैं, मतलब खुर्शीद शाह की मीटर रीडर की, वो एक मीटर रीडर से एक अरबपति बन गया। शरजील मेमन आप देखें, एक मतलब आज से कुछ अर्सा पहले मतलब हुंडई टैक्सी में घुमा करता था, मैंने खुद उसको देखा, 2000 एकड़ पे कब्जा किया सरकारी का, उससे आज भी अरबों रुपए उसके घर से निकल रहे हैं। और जैसे ही पीएसपी का मौकफ भी ले लेते हैं, आप क्या समझते हैं अजीम मेमन साहब, ये कोई ज्यादती हो गई हुकूमत की जानिब से? क्योंकि अब जो एमआईआर की जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक कुछ उनका जो कुछ परसेंटेज ऑफ ब्रेन है वो श्रिंक कर गया है, और ये बाद में पता चलेगा कि इज इट अ एजिंग साइन या वो कोई खुदा ना खास अल्लाह ना करे किसी बीमारी का शिकार है, तो मेडिकल जो प्राइवेट टॉर्चर किया गया ये भी तो हो सकता है ना। अगर रिक्वेस्ट की गई थी पीपल्स पार्टी की जानिब से, आपका ओपिनियन क्या है, दे देना चाहिए था, ये ताखीर सही थी इसमें? हम इसको इस तरह देखते हैं कि आज से 22 साल पहले एक जद्दोजहद का आगाज हुआ, जो ये कहा गया और उस जद्दोजहद के नतीजे में हुकूमत बनी है कि ये मुल्क दो पार्टियों ने लूट लिया है। और ये यकीन करें हर शख्स, यानी आप और मैं भी इसमें शामिल थे कि नहीं यार एक चेंज आना चाहिए, क्योंकि हमें एक चीज़ दिखा दी गई थी और बता दी गई थी कि इस मुल्क को दो फैमिलीज ने लूट लिया है। लेकिन आज जब हम स्टेज पे आते हैं और देखते हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा कि पर जो बेस पे हुकूमत बनाई गई, आज अगर वो मैं एनआरओ को देखता हूँ तो मैं खुद मतलब ये सोचता हूँ कि यार आज के बाद अब जो हुकूमतें बनेंगी, यानी आगे आने वाले 50 साल में, अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं पीडीआई की इस बात को कि भाई वो दोनों जो पार्टीज रूलिंग पार्टीज थी पाकिस्तान में वो लूट के खा गई पाकिस्तान को, तो इसी इमरान खान गवर्नमेंट ने, इसी पीटीआई की गवर्नमेंट ने एक हाई प्रोफाइल कमीशन बनाया है पिछले कुछ माह पहले, जिसने 6 महीने एक वर्किंग करने के बाद उस बड़े हाई प्रोफाइल में लोग शामिल हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज शामिल हैं, उन्होंने रिपोर्ट दी है कि इस वक्त पिछले 10 साल में जितनी भी इमदाद बाहर से आई है या जो भी बैरूनी कर्जा लिया गया उसमें करप्शन नहीं हुई है। मैं हैरान हूँ, या तो ये पीपल्स पार्टी और नून लीग बिल्कुल पाक साफ है, या तो ये मान लिया जाए,
ये वाली बात मान ली जाए, या तो फिर ये मान लिया जाए कि ये हुकूमत और इसकी तहकीकात नाकाम हो गई है और ये फेल हो गए हैं, ये लोगों को उनके हकूक दिलवाने में और लूटा हुआ पैसा बाहर लाने में, वापस लाने में नाकाम हो गए और ये साबित करने में नाकाम हो गए कि जरदारी साहब ने इस मुल्क को लूटा है या नवाज शरीफ साहब ने इस मुल्क को लूटा है। अब ये लोग पब्लिक कहाँ जाए, ये मुझे बताएं आपकी पब्लिक, अब ये किससे लूटा जाएगा? ये जो अरबों डॉलर ये जो हमारा मुल्क लूट के खा गए, लोगों के घरों में जिस तरह पानी नहीं आ रहा और लोग तकलीफ में है। अजीम अहमद साहब, बिल्कुल मेडिकल कंडीशन पर पीएम जो फॉर्मर प्रेजिडेंट थे उनको अब जो जमानत है वो तो ग्रांट कर दी गई है, बट जो स्पेकुलेशन सामने आ रही है तो टाइम इज डेफिनेटली गोइंग टू डिटरमिन के अब मुस्तकबिल करीब में क्या वो सियासत करेंगे, या जैसा कि कादर साहब ने अर्ज किया कि वो तो बिस्तर मर पर जब थे इंतहाई तशवीशनाक उनकी हालत जब बताई जा रही थी, क्योंकि अब जो है पिम्स के मेडिकल बोर्ड ने भी इस बात को इंडोर्स कर दिया है कि उनकी जो मेडिकल कंडीशन है वो फ्रेजाइल है। सो डेफिनेटली टाइम विल डिटरमिन अबाउट इट। अभी हम जाएंगे आज की अपनी तीसरी टॉप और हाईलाइटेड स्टोरी की तरफ, बीआरटी की बात करेंगे। कादर खान मंदुखेल साहब की जानिब सबसे पहले जाएंगे। एफआईए ने बिल आखिर जो है बीआरटी मंसूबे की तहकीकात का आगाज कर दिया है। जब भी अपोजिशन जमातें हुकूमत वक्त के साथ बैठी थी हमेशा इस मंसूबे को क्रिटिसाइज किया जा रहा था, आप क्या समझते हैं, एक अच्छी पेशरफ्त है? देखिए मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कि पहले जो नियाजी साहब फंसते थे शहबाज शरीफ की मेट्रो पे और फिर अल्लाह अल्लाह करके उसी मेट्रो को बनाए, और मैं कहता हूँ उन सरकारी उन इंजीनियरों को तो लटकाना चाहिए जिन्होंने यानी उस गली के अंदर उस रोड के अंदर बस गुजर नहीं सकती है। दूसरी बात ये कि उसका जो बजट था वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, और आपको याद पड़ रहा है एफआईए ने अभी तरीकी से पहले जो एफआईए का बशीर मेमन डीजी तो उसने रिज़ाइन किया है, उसने अनप्रोटेस्ट जो है ना वो रिज़ाइन किया है, रिज़ाइन किया इस बात पर क्योंकि ये इसी तरह जैसे ये अपने भांजे को आज लाहौर के अरसे में ये बचा रहा है, इस तरह ये अपने लोगों को बचा रहा है। और आपको याद होगा कि नेब के चेयरमैन ने भी कुछ दिन पहले बयान दिया तो उसने कहा कि ये हुकूमत से स्टे लिए, आप एक तरफ एहतसाब की बात कर रहे हो, आप एक तरफ कह रहे हो मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी लूट के ले गए, दूसरी तरफ आपने 11,000 अरब इस वक्त तक का भी कर्जा ले चुके हैं, टमाटर $300 आपको 150 से ऊपर महंगाई आसमान के साथ बातें करी, और फिर जैसे अजीम साहब ने बताया कि वो बैन अल-अक़वामी रिपोर्ट है तो आ गई, वहां से तो कोई करप्शन नहीं है, तो भाई आप लोगों को बेवकूफ जो बना रहे थे डेढ़ साल में, नियाजी साहब कह रहे हैं कि पता नहीं ये क्या कर रहे, आप डेढ़ साल में अपनी कारगरी तो बताओ कि आपने क्या किया। लेकिन यकीनन मैं कहता हूं कि नैब के चेयरमैन को सर से लेकर पांव तक एहतसाब करना चाहिए, सबका करना चाहिए, और सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो वीडियो आई थी नैब के चेयरमैन के खिलाफ उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए, या तो बताना चाहिए कि वो असली एक जाली है, वो अपना एहतसाब सब अपने से शुरू करे फिर अपोजिशन के अंदर आज सामने आ गया। उनका ये कहना है कि अकाउंटेबिलिटी इज गोइंग टू बी अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द ग्लोब अपने आप से शुरू कर देना, वीडियो से ना काउ कोई भी नहीं है, तो उनका ये बयान सामने आया। लेकिन इरफान अल्लाह नियाजी साहब, हमने देखा कि जब पेशावर हाई कोर्ट ने नैब को हुक्म जारी किया था कि बीआरटी मंसूबे की तहकीकात का बाकायदा तौर पर आगाज किया जाए, तो फिर आखिर केपी की हुकूमत ने उसे क्यों चैलेंज किया, और फिर सितंबर 2018 में उस पर स्टे ऑर्डर भी मिल गया था, तो नैब क्योंकि ऑपोजिशन जमातों की जानिब सब इदारों की क्रेडिबिलिटी को डाउट भी किया जाता है, तो आप इसमें क्या मौकफ अपनाएंगे? आखिर नैब ने एक साल तक का अर्सा गुजर गया, अब आज इस तहकीकात का एफआईए की जानिब से आगाज किया गया है, उस एक साल के इस लंबे ड्यूरेशन में नैब की जानिब से कोशिश क्यों नहीं की गई कि स्टे ऑर्डर को खत्म करके बाकायदा तौर पे जो है वो बीआरटी के खिलाफ तहकीकात की जाए? स्टे ऑर्डर की जहां तक बात है, क्योंकि अब ये बीआरटी जो है कंप्लीशन पे बिल्कुल आखिरी मरहल में है, और इन मार्च में इंशाल्लाह ताला हम उसका इफ्तिदा करेंगे। और दूसरी बात ये कंपेयर कर रहे हैं जो लाहौर वाली मेट्रो या इस्लामाबाद वाली मेट्रो, वो 60 और 50 बसों पे मुश्तमिल है, इसका ट्रैक 200 बसों में मुश्तमिल है, उससे बहुत लंबा ट्रैक है, और इंशाल्लाह तभी ये हम कह रहे हैं कि भाई अगर ये इस पर तहकीकात या कोई किसी का कोई इशू आ गया तो मजीद ही लेट हो जाएगा, तो उसको हम इस चीज़ के लिए रुका रहे हैं कि कुछ अर्सा मार्च में हम इंशाल्लाह इसका इस्तेदा हो जाएगा, और ये बिल्कुल बेहतरीन किस्म के 200 बसों का ये ट्रैक है और एक बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट होगा। लेकिन साथ साथ मेरी आप बात सुने, ये बात करें केपी के में, इससे अलावा भी केपी के में आप कभी जाके देखें उसकी कितनी चेंज आ चुकी है सड़कों की। सिंध में क्या कर लिया इन्होंने, अभी कंडरी का एक इलाका है, कंडरी में मतलब सैकड़ों अरब रुपए का बजट वहां पर पास किया उस कंडरी के लिए, लेकिन वहां पर एक गटर लाइन नहीं बनी हुई। ये अभी अभी आप अभी जाएं, हमारे अभी हमारे हमारे अली मादिल शेख वहां गए, अभी अली मादिल शेख पहले गए उसके ऊपर हमला करवाया, अली मादिल शेख के ऊपर जानबूझकर उन्होंने हमला किया, 2000 एकड़ के ऊपर कब्जा किया कि कहीं ये हमारा ये पोल ना खोल दें, लेकिन वो मर्द मुजाहिद अली मादिल शेख फिर क्यों करप्ट रहे हैं, एक हफ्ता पहले फिर गया, 2000 एकड़ सरकारी पे कब्जा किया अली मादिल शेख, एक चीज उसने एक्सपोज की है अली मादिल शेख ने, आपको सिंध में आपको एफआईए की जानिब से पैसे सवालात कोई कब्जा नहीं किया,
कहा जा रहा है, आप क्या समझते हैं? आप 35 सवाल रेस किए गए, रूट्स पे भी सवाल उठ रहे हैं और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि पीटीए को क्यों ठेका दिया गया, ट्रांसपोर्ट का बनता था, ट्रांसपोर्ट को क्यों नहीं दिया गया? देखिए बात ये है कि ये एक कंपनी है ब्लैकलिस्ट लाहौर की, पंजाब की एक ब्लैकलिस्ट कंपनी को ठेका दिया गया। परवेज खटक साहब की ज्यादती है, मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में वो नैब के शिकंजे में होंगे। इस वक्त जो कमीशन बनाया गया है वो FIA को इंक्वायरी दी गई है, FIA को नहीं जानी चाहिए थी, नैब को उस पर काम करना चाहिए था, लेकिन नैब पे प्रेशर ज्यादा है। वो FIA की तरफ जो ये गई है इंक्वायरी, मैं समझता हूँ कुछ नहीं निकलेगा। नैब FIA इमरान खान के नीचे काम कर रही है, कुछ भी नहीं होने वाला इसके अंदर, लेकिन इस सरासर ज्यादती है, लोगों के अरबों रुपए का ज्या हुआ है और इस पिशावर के लोगों के साथ ज्यादती की गई है, इसका अजाला होना चाहिए। ठीक है, BRT के मनसूबे की तहकीकात का FIA की जानिब से बाकायदा तौर पर आज आगाज हो चुका है। आज हमने कोशिश की कि आज की जो टॉप और हाईलाइटेड स्टोरीज हैं उस पर अपने जो एक्सपर्ट पैनल है उसके ओपिनियन आप तक पहुंचाए। सियासी इख्तलाफ राय जरूर है, लेकिन जो लाहौर की स्पेशली बात करें उस पर कोशिश यही है कि अब इसका सदेबाब हो और जो मुजरमाना गफलत का जिसकी जानिब से भी मुजाहरा किया गया है, वकला की जानिब से जिस पुरतशद्दुद कार्रवाई का मुजाहरा किया गया, उनके लाइसेंस कैंसिल होने चाहिए और इस वाकये को अब एक एग्जाम्पल के तौर पर सेट करना चाहिए। शुक्रिया अदा करूंगी कादिर खान मंदोखेल साहब, पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद थे, आपकी प्रेजेंस का बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ इरफानुल्लाह नियाजी साहब PTI को रिप्रेजेंट कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। अजीम मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे पाक सरजमीन पार्टी से, आपकी प्रेजेंस का भी बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आज के इस प्लेटफॉर्म से अर्जुमंद उस्मान को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।